सबसे पहला काम इस पैसे के आने के बाद हम जो करना चाहते हैं वो ये कि भारत के गांव गांव में उद्योग लगाने, गांव में, शहरों में तो बहुत उद्योग लग गए, गांव में लगाने। आप बोलेंगे जी गांव में कौन से उद्योग लग सकते हैं, 100 उद्योग हैं जो गांव में हर जगह लग सकते हैं, 100। उनमें सबसे पहला उद्योग जो गांव गांव में हम लगवाना चाहते हैं वो है, भारत के 2 लाख गांव में कपास पैदा होती है, तो कपास से सूत बन सकता है, सूत से चरखा चला के, लूम चला के खादी का कपड़ा बन सकता है, तो 2 लाख गांव में चरखा चलाने का, खादी बनाने का उद्योग हो सकता है। जहां कपास है वहां सूत है, जहां सूत है वहां खादी है, तो खादी बनेगी 2 लाख गांव में और बिकेगी पूरे देश में। कौन खरीदेगा? आप खरीदो, मैं खरीदू। हमने तो भारत स्वाभिमान की तरफ से तय कर लिया है कि हर एक योग शिक्षक अब खादी ही पहनेगा, क्योंकि आपको मालूम है परम पूजनीय स्वामी जी ने खादी पहनना शुरू कर दिया। वो तो भगवाई पहनते हैं ना, वो भी अब खादी का आ गया। वो कहते हैं मैं पहनूंगा तो मेरे सारे चेले पहनेंगे देश में, तो सारे योग शिक्षक खादी पहनेंगे। 11 लाख योग शिक्षक, 11 लाख परिवार अगर खादी खरीदने लगे, करोड़ों मीटर खादी बिकेगी। और फिर ये 11 लाख अगर 10-10 को भी कहेंगे भाई तुम भी खादी ले लो, तुम भी खादी ले लो, और खादी बिकेगी, तो बनेगी गांव में, बिकेगी शहरों में। आप भी इसको ध्यान रखना कि खादी खरीद के 2 लाख गांव को हम रोजगार दे सकते हैं, और हमने हिसाब निकाला 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा खादी के कपड़े में। और ये अकेली ऐसी चीज है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बिना बिजली के ये सब काम होगा, चरखा चलाना हाथ से, सूत को बुनना हाथ से, सूत को रंगना हाथ से, कपड़े का, ये सब हाथ का काम है, इसमें बिजली की कहीं जरूरत ही नहीं। तो बिजली आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम चल पड़े। ऐसे दूसरा उद्योग हमने तय किया है कि भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा गांव है जहां सरसों पैदा होती है, तिल पैदा होता है, नारियल पैदा होता है, तो सरसों जहां होती है वहां सरसों का तेल निकल सकता है, तिल जहां होता है वहां तिल का तेल निकल सकता है, और जहां नारियल है वहां नारियल का। अभी तेल निकलता है शहर के बड़े बड़े कारखानों में, हम तेल निकलवाएंगे छोटे छोटे गांव में। और ये तेल निकालने के लिए भी बिजली नहीं चाहिए, वो कोलू चलता था ना पहले बैल वाला, उसी से निकलवाएंगे। उसकी 2 फायदे हैं, तेल की क्वालिटी अच्छी रहती है, ये बिजली वाली मशीन जो घूमती है ना ये तेल को जला देती है, क्योंकि तापमान बहुत है तो तेल का प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है, और धीरे धीरे कोलू का जो तेल निकलता है उसमें सारी प्रोटीन सुरक्षित रहती है।